आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष अवधेश चौधरी ने भागलपुर विकास खंड के मई चौराहे के एक निजी प्रतिष्ठान में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग पीड़ित है, महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, जिससे घरों की रसोई महंगी हो गई है, लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है, नौजवान बेरोजगार होकर सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी कोई सुधि नहीं है, अगर रोजगार की बात करे तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, किसान हाल होकर आत्महत्या करने को मजबूर है, पीड़ितों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनहित के विरुद्ध कार्य कर रही है, किसानों को समय से खाद नहीं मिलता, क्रय केंद्रों पर बिचौलियों के माध्यम से सस्ते दामों पर किसान अनाज बेचने को मजबूर है, तहसील थानों पर पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं है, थानों पर पीड़ितों का उत्पीड़न किया जा रहा है, बिना घूस लिए एक भी NCR तक नहीं लिखा जा रहा है। श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, जबकि उन्होंने युवाओं से रोजगार छीन लिया है, तमाम विभागों में पद रिक्त हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को सपा सरकार नौकरी देगी, प्रदेश में विकास का कीर्तिमान स्थापित होगा। न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता पवन पांडे की रिपोर्ट। हम अवधेश चौधरी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी के लिए अपना दावेदारी पेश किए हैं 2022 के चुनाव के लिए। उस परिप्रेक्ष्य में हमने गांवों का भ्रमण किया, बाढ़ क्षेत्रों का भ्रमण किया, हमको देखने को मिला कि हमारे विधानसभा में ज्यादा क्षेत्र लगभग भागलपुर से लगा है, कपरवार घाट पर बाढ़ क्षेत्र है, जिसमें गांव 50-100 गाँव आते हैं, वहाँ पर सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे कटैलवा, देवसिया आज गांव में कटाव हो रहा है, लेकिन सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है उसको रोकने के लिए। आम लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, और कोई व्यवस्था सुधार बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए नहीं हो रही है। दूसरा, मेरे क्षेत्र में देखा समस्या कि जितनी सड़कें हैं सारे सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं, उसको बनाने की सरकारी कोई व्यवस्था नहीं, सरकार बोलती है कि गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी गई है, लेकिन कोई सड़क आज तक बनाई नहीं गई, उससे गड्ढे पड़े हुए हैं, गांव की निक सड़कें खराब हैं, किसान लोग की मजबूरी ये है कि जब खाद की आवश्यकता पड़ती है तो समय से उनको खाद नहीं मिलता है, महंगे दामों पर मिलता है, जब उनकी फसल का उपज हो जा रहा है, बेचने को जा रहा है सरकारी क्रय केंद्रों पर, वहां लिया नहीं जा रहा है, वहां पर केवल बिचौलियों से धान एवं गेहूँ का क्रय किया जाता है, जिससे बाध्य होकर के किसान मजदूर उन बिचौलियों के हाथ में भेज रहे हैं सस्ते दामों पर, और उसका लाभ बिचौलिए तथा कुछ कर्मचारी ले रहे हैं। दूसरी बात, प्रदेश सरकार द्वारा इस समय सारा अधिकार अधिकारियों को दे दिया गया है, पुलिस को दे दिया गया है, आम जनमानस पीड़ित है, कोई समस्या लेकर थाने पर जाए तो उससे धन उगाही की जा रही है, FIR दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, जो पीड़न हो रहा है वो आदमी मजबूर होकर घर बैठ जा रहा है। यही हाल है, कचहरी हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, कोई काम बगैर पैसे का नहीं हो रहा है, और बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, जिससे आम लोग त्रस्त हैं। महंगाई की दशा ये है कि सारे नौजवान बेरोजगार हैं, जो लोग प्राइवेट भी नौकरी करने कहीं बाहर गए थे वो सब लोग चले आए, मंदी के नाते उद्योगपतियाँ उनको हटा दिए, जो व्यवसायी लोग हैं हटा दिए, सब अपने घर आ गए, और महंगाई के नाते वो त्रस्त हैं, परेशान हैं, उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है, और घर चलाना आम लोगों को कठिन हो गया है। आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल अपार कीमत बढ़ा हुआ है, सरसों के तेल की कीमत बढ़ी हुई है, इस महंगाई के नाते सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। जो छोटे व्यापारी हैं वो कहते हैं कि हम लोग का कारोबार ठप हो गया, क्योंकि आम जनता का जब आय का स्रोत कम हो गया, सब लोग मंदी के दौर में गुजर रहे हैं, तो उन वो लोग क्रय शक्ति कम हो गई, जिससे क्रय नहीं हो रहा है, तो व्यापारी भी परेशान, किसान भी परेशान, नौजवान भी परेशान, और शिक्षा की अव्यवस्था से जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। इस स्थिति में
न तो भारत सरकार ध्यान दे रही है, न तो प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज झूठ बोलते हैं, कहते हैं मैं इतना रोजगार दे दिया। वो रोजगार दिए नहीं, रोजगार के लोगों को बेरोजगार कर दिए, नौकरी से निकाल दिए। वो एक नया सिस्टम पैदा कर दिए आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग से लोगों को लेकर के 8,000-10,000 दे रहे हैं, जबकि उनका भुगतान होता है 14,000-15,000। जो आउटसोर्सिंग वाले एनजीओ के लोग हैं बाकी पैसा वो ले रहे हैं, चाहे शासन को दे रहे हैं। ये व्यवस्था भी घातक कर दिया उन्होंने। और सरकारी नौकरी को तो देना ही नहीं है उनको, जितनी भी नियुक्तियाँ करते हैं वो फंस जाती हैं, वो फाइनल नहीं हो पाती हैं, तमाम जगह खाली हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हो, हर विभाग में जगह रिक्त है, लेकिन वो नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि योगी जी द्वारा हर बार झूठा बोला जा रहा है। वो कहते हैं जो लोग काम कर रहे हैं नरेगा में उसको भी वो नौकरी और रोजगार की संज्ञा दे देते हैं, और फर्जी बोलते हैं कि हमने 5,00,000 लोगों को रोजगार दिया, यह शोभा नहीं देता। दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आजम खां जी का विद्यालय जो कि उन्होंने बढ़ाया था, उसमें आम गरीब हर जात वर्ग के लोग पढ़ते थे और कोई फीस नहीं ले आती थी, कापी किताब की व्यवस्था करते थे, यह उनसे देखा नहीं गया। वो नहीं चाह रहे थे कि गरीबों के बच्चे पढ़े, शिक्षित हों। उन्होंने उन पर अनावश्यक फर्जी केस लगा करके और उनके विद्यालय को बंद कर दिया, विद्यालय को गिरा दिया। जबकि देखा जाए तो आज स्वतः अपने मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।